करके आज हम भूतनी बन के आ गए। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है तिवारी सविता ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है तिवारी सविता ब्लॉग। मैंने पहले अपने चैनल का नाम रखा था, पहले तो आप लोगों को राधे राधे श्री राधे स्वागत है, और पहले मैंने सविता तिवारी ब्लॉग रखा था। तो जब मैं सविता तिवारी ब्लॉग रखी थी तो जो मेरा चैनल सब सर्च करते थे तो श्वेता तिवारी जो वो हैं क्या है श्वेता तिवारी जो है वो आ जाती थी, जैसे सर्च होता था तो वो आ जाती थी, मेरा आता ही नहीं था। तो फिर मैंने चेंज करवाया, तिवारी सविता ब्लॉग रखा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 गाइज, और नैन्सी की बन रही है चाय, जैसे कि रोज होता है, रोज का वही सेम। इधर चाय नैन्सी चढ़ा रखी है, और मैं अभी जा रही हूँ, सुबह सुबह बारिश बंद है तो सब्जी लेने जा रही हूँ। अभी सुबह मैं सब्जी ले आऊंगी तो ठीक रहेगा, शाम को ठंडी लगने लगती है तो हिम्मत नहीं होती, और दूसरा क्या है कि फुर्सत रहता है, सुबह में कल बारिश हो रही थी नहीं तो कल ही ले आती। तो मैं अभी चल रही हूँ सब्जी लेने, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा, अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा गाइस, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट जो भी आपको करना हो करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में, स्किप मत करिएगा, बाय बाय। तो चल रही हूँ मैं, अभी स्वेटर वटन ही पहनी हूँ, ना ही सो लौड़ूंगी, ऐसे ही जाऊँगी, आने के बाद फिर ओढ़ भील के बैठ जाऊँगी क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। तो आऊँगी तो आज राजमा बनाऊँगी खाने में, क्योंकि सब्जी से सब परेशान हो जाते हैं रोज़ रोज, तो इसकी वजह से आज सोचा है फिर से राजमा बनाऊंगी। 3-4 दालें मिक्स करके बना लो तो अच्छा रहता है, फ़ायदा करती है। और क्या बोलूं, और कुछ नहीं बोलना है, आज भी बारिश का ही मौसम है, बारिश हो नहीं है, रोड भीगा हुआ है पूरा। तो चल सुबह सब्जी ले आते हैं तो फुर्सत रहती है, अभी इस टाइम ले लेंगे तो पूरे दिन की फुर्सत रहेगी, शाम को अपना वही बना लेंगे। रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वीडियो भी बनाते रहते हैं, क्या ही बोले। तो मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ, सब्जी के साथ साथ दूध भी लेके आई, क्योंकि शाम को बड़ा इशू होता है दूध का। तो गोभी लाई, मटर लाई, लहसुन नहीं था लहसुन लाई, और क्या लाई, शायद बैंगन लेके आई हूँ। इधर साइड में चढ़ा दिया है राजमा, ये हो रहा है, इसको लमसम 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, भिगो के नहीं बनाती हूँ तो 1.5 घंटा करीब लगता है इसको बनने में। तो ये बन जाए, उबल जाएगा, उसके बाद फ्राई करूँगी, फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो ट्राई करिएगा। राजमे ने पूरा अटैक कर दिया है पूरे गैस पे, क्या बताऊँ, जब इसको ऐसे रखो सोडा डाल के तो ये ऐसे ही पूरा गैस की माँ बहन कर देते हैं। आगे क्या बोलूँ, सब्जी सुबह में बनाई थी टिफ़िन के लिए, आलू मटर की सूखी तो रखी हुई है, अब इसको पोछूँ फिर दोबारा से फिर से रखूँ, बहुत बेकार से गिर जाता है ना, फिर ले तो जाएगा ना, अचानक से बोलोगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो हाँ नहीं बढ़िया है, इतना दिमाग से काम कर रही हो मीनारी। सो चूड़ा तल दो, 1 बजने वाला हूँ, 1 घंटा पहले मैंने आपसे बात किया था, आई थिंक 12:45 बजे, पूरा टाइम दिखा दो, 12 बजे 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में राजमा ने पूरा गैस पूरा सब छीछा छिया लेदर कर दिया था, अब जाके ये पका है। तो और अब इस तेल में मम्मा चिवड़ा तलेंगी पहले मेरे लिए, उसके बाद नहीं, नहीं, नहीं इस टाइम कोई स्नैक्स नहीं है, विदाउट स्नैक्स कहूँ मैं, इस टाइम ओनली खाना बनेगा, शाम टाइम बना दूंगी पक्का, प्रॉमिस कर रही हूँ, तो मैं खुद ही तल लूंगी। उस दिन जो मैंने चूड़ा और मटर की नमकीन बनाई, लेकिन इस बार मटर नहीं, बस चूड़ा नैन्सी को पसंद आई थी बहुत ज्यादा, तो मैं राजमा में तड़का लगा रही हूँ। ओके ये है मसाले का डब्बा,
अरे 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 तुम तो पूरा फोल खोने दे रही हो। ये है हींग, ढेर सारा। ठंडियों में हींग सब सब्जी में वैसे तो हमेशा ही डालना चाहिए, पर ठंडी में ये ज्यादा जरूरी रहता है। ये है थोड़ा सा जीरा, छोटा चम्मच के करीब, हाफ टी स्पून। उसमें दिखाओ, वीडियो तो बनाओ छोंकने का, शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए हाँ। और ये अनियन है एक। ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने मसाले ऐड करे हैं, तो इसको मैं ऐड करूंगी। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। मसाले डन हैं, हो चुके हैं, तो अभी मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, क्योंकि बॉयल करते टाइम नमक मैंने ऐड किया था उसमें राजमा में। नमक डालने से थोड़ा टमाटर जल्दी गल जाता है। वैसे तो मैं इसका प्यूरो बना के डालती नहीं, ऐसे ही डालती हूँ, इसकी वजह से। मसाले हो गए तो अभी मैं इसको ऐड करूंगी। सो खाना मेरा डन है। इधर है दही, कभी भी आप लोग राजमे में दही डाल के खाइए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। रोटी, चपाती, मिर्ची का अचार, और ये है यम राजमा, हाँ, ढेर सारा घी के साथ। आलू मटर की सब्जी लेफ्ट ओवर, और इधर अनियन है, प्याज है। तो ये है मेरी आज की थाली, होप कि आप लोग ट्राई करें और पसंद आए आप लोगों को। सो अभी 2 बजने वाला है, हर एक घंटे में आ रही हूँ, अभी 2:15 हो रहा है। और खाना पीना इन लोग का हो गया, मेरा अभी नहीं हुआ, मैं भी जा रही हूँ खाने। तो चावल भी बनाया था मैंने, चावल वीडियो उसमें थाली में जगह नहीं बची थी, तो इसकी वजह से दिखाया नहीं। सो कभी भी आप लोग राजमा खाइए, उसमें दही डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अभी चल रही हूँ, खाना खाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, उसके बाद ठंडी की वजह से पता नहीं क्यों पूरा दर्द कर रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो खा लूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, वीडियो में बने रहिएगा। सो एवरीवन, अभी बज गए 5:30, और मैं सो गई थी थोड़ा सा, नहीं सो काहे से तली थी, अरे कढ़ाही से नहीं, घी से कि तेल से, तेल से, घी से नहीं। अच्छा, चूड़ा आज खुद से तली है, मुझे बोली थी शाम को तल दीजिए, तो मैं लेटी थी। मैं रात में, मुझे सोने में देर हो जाती है, मतलब वीडियो वगैरह का काम करने करते करते वीडियो मेरा बहुत बड़ा रहता है, मेरा 1-2 मिनट का वीडियो नहीं होता है कि मतलब 2 मिनट का भी वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, पर मेरा वीडियो कम से कम 18-19 मिनट का रहता है मैक्सिमम रोज। कभी कभार ऐसा होता है कि 12-13 मिनट का होता है, और मेरे वीडियो में बहुत सारा वीडियो मैं बना लेती हूँ, जिधर जिधर भी जाती हूँ, जिधर भी जो भी काम करती हूँ, सब कैप्चर करती रहती हूँ। इसलिए कैप्चर करती हूँ कि जितना शेयर कर पाऊँगी, जितना डाल पाऊँगी एक दिन में, एक दिन का वीडियो, उतना कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे अगर मेरा आज का जो वीडियो बना रहता है उसको मैं नेक्स्ट डे उसमें नहीं ऐड करती हूँ, जो नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊँगी उसको उसी में ऐड करूँगी। तो एक दिन का कंप्लीट वीडियो मेरा रहता है, तो मुझे वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा 1.75 घंटा लगता है। फिर मुझे सोने में देर हो जाती है, सुबह में मुझे फिर जल्दी उठना रहता है, तो इसकी वजह से मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मैं दिन में 1-2 घंटा सो लेती हूँ, तो मेरे मतलब सर को, मेरे दिमाग को, दिल को, फेफड़े को, सब को आराम रहता है इसकी वजह से। तो मैं सो गई थी, तो अभी चाय बनी है,
मोबाइल, पता नहीं मोबाइल पकड़ने से कि किस लिए बैठे बैठने से पूरा ये साइड पीछे से पूरा इतना दर्द कर रहा है कि मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए, एंजॉय करती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मुझे ठंडी क्यों पता लगी है सारा, ठंडी हो रही तो लगेगी नहीं, और कपड़ा नहीं सूखा, ये 2 दिन के कपड़े डले हैं, कल सुबह के डले हुए हैं, अभी भी सूखे नहीं अच्छे से, अब इनको मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इधर उधर कहीं भी, क्योंकि आज का कपड़ा अंदर ही रखा हुआ डाला ही नहीं, बिल्कुल धूप तो आती ऐसे भी नहीं है और धूप बिल्कुल लगती भी नहीं है, सारे गीले हैं, अब इनको चल रही हूँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँगी। और अभी रात के बज रहे 9:30, इस टाइम कुछ बनाऊंगी नहीं, राजमा ढेर सारा रखा है और आलू की सब्जी मटर की रखी है, आटा अभी लगाई हूँ तो रोटी जा रही हूँ बनाने, बर्तन वगैरह धोऊंगी और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो रोज़ देखा करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिना बिल्कुल मत जाइए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, भर भर के कमेंट करिए, भर भर के प्यार दीजिए वीडियो को, और क्या ही बोले आप लोगों से, बाय बाय।